हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णा उद्भवन आर्ट ब्लॉग में आप सभी को वेलकम है, स्वागत है और नमस्कार एंड नमस्ते है। आज दिल्ली में काफ़ी आज से थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, तो मैं इधर उधर तो पहले भी नहीं जा पाता था, पर कोशिश करता हूँ थोड़ा चलने का, बट ज़्यादा वीकनेस के कारण मैं चल नहीं पाता हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर चल नहीं पाऊँगा तो फिर और भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल तो भरा हुआ है, कोई बात नहीं। कल जो है एक डॉक्टर से बात हुआ था जो कि बिहार के टाटा जमशेदपुर से रहने वाले हैं, उनसे बात हुआ था। उन्होंने मेरा सभी रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मेरा बहुत से दवाई लिखाए हैं और विटामिन डी, विटामिन B12, सोडियम, पोटेशियम बोले हैं चेक करा के हमें रिपोर्ट दिखाओ। हो सकता है एक दो दिन में मैं चेक कराने के लिए जाऊंगा, तो हो सकता है मैं ब्लॉग नहीं बना सकता हूं, क्योंकि ब्लॉग बनाने में काफ़ी टफ होता है। और सोच रहा हूं चांदनी चौक कैसे जाऊं, क्योंकि वहां से मुझे ड्राइंग का भी कुछ सामान लेना है, क्योंकि ना तो कोई ड्राइंग का सामान है और ना ही मेरे पास पेंसिल है और ना ही एक ब्लेंडिंग करने वाला होता है, वो भी नहीं है मेरे पास। अगर ज़्यादा दिक्कत हो गया तो मैं नहीं जा पाऊँगा, कोशिश करूँगा हो सके तो ऑनलाइन मंगाऊँगा, तो देखता हूँ। ठीक है, अब खाना उना तो बन गया था, सोच रहा हूँ खाना उना खा लूँ, फिर आगे का भी काम करना है। रात में एक मैसेज आया था और कुछ हेल्प भी किए हैं उन्होंने मेरा, और अपनी लड़की का पिक भेजे हैं, उनका ड्राइंग बनाना है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, लाइक भी ज़रूर करिए और मेरे हर एक वीडियो को कोशिश करें कि शेयर ज़रूर करें। तो चलता हूँ खाने का। तो आज का जो खाना है दाल है और बिहार का सबसे बड़ा नामी चोखा और चावल और रोटी है, तो आप लोग भी अपने घर में जो भी बना है उसे प्रेम से खाइए, क्योंकि कहते हैं प्रेम से खाना खाने के बाद शरीर में ज़रूर लगता है। कुछ देर बाद आपसे हम फिर मिलते हैं। तो खाना उना तो हो गया है। हाँ, नवीन सर जो हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, उनको मैं अपना सारा रिपोर्ट भेजा था, तो उन्होंने मुझे कहा है जो आपको जो है अंदर अंदर पूरा ये बीमारी आपको तोड़ चुका है, फिर भी आप सही इलाज करवाएं और दवाई लें। वो भी एक डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, पर मैं नहीं जानता था, तो वो तो संदीप सर के कॉन्टेक्ट से मेरे पे फ़ोन किए हैं। संदीप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे मदद किया है। ड्राइंग का सामान लेना है, आज ये रहा मेरा स्टैंड, ये आ गया मेरा स्टैंड, अब ड्राइंग भी करना है, तो सब कुछ रखते हैं और ड्राइंग करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है हो सकता है
थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये पहला ड्राइंग है जो मैं फुल ड्राइंग बना रहा हूँ। मैंने कभी नहीं इतना फुल ड्राइंग बनाया था, क्योंकि ना तो मैं कभी हाथ बनाया हूँ और ना ही पैर बनाया हूँ। हो सकता है कोई अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं सीखा हूँ, फिर भी बना लेता हूँ। ना कोई स्कूल में मैं सीखने के लिए गया हूँ और ना कभी मैं प्रैक्टिस किया था, पर जब से मैं बीमार पड़ा था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने यही काम करना सोचा कि देखते हैं ट्राई करके एक बार बनता है या नहीं बनता है। तो फर्स्ट बार मैंने अपना ही एक बार मतलब स्केच बनाया था, तो उसमें बन गया था। तो उस टाइम मैं ये चैनल नहीं खोला था। उसके बाद फिर मैंने अपने पापा का बनाया, फिर अपने एक भाई का लड़का है उसका बनाया था। तो मुझे पता चला मैं क्यों ना इसी पर कोशिश करूं, और तब से मैं ड्राइंग बनाने लगा हूं। ये ड्राइंग काफ़ी टफ रहा, क्योंकि मैंने कभी फुल ड्राइंग नहीं किया था और मैं पहली बार ये फुल ड्राइंग कर रहा हूँ। और हो सकता है इसमें कुछ तो त्रुटि होगा ही होगा, तो आगे से कोशिश करूँगा कि अच्छा करूँ। और मुझे इस ये ड्राइंग बनाने से मुझे कुछ तो अच्छा सीख मिला है, ताकि हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा ड्राइंग आएगा तो मैं बना सकूं। तो ठीक है, आप लोग ड्राइंग देखिए।
ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख ही लिए हैं। अभी ड्राइंग बनाते बनाते हमें काफ़ी टाइम लग गया। आज का ड्राइंग बहुत ही टफ था। और करीब करीब अभी कितना बज रहा है, 8 बज चुका है, 8:10 हुआ है, तो 8:10 हुआ है। आज काफ़ी टफ रहा। और आप लोग देखें और कमेंट करें कैसा है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।